पर बैठे हुए हैं और रोजगार के लिए परेशान हैं, उस तरीके से भारत आज लोकतांत्रिक देश नहीं बचा हुआ है। भारत में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया है कि पिछले महीने जब राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु गए थे, उस समय भी ऐसी बातें कही गई थी। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि आरएसएस की इस कार्यशैली से देश का संतुलन खत्म हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीवर टैंक करके सफाई कर्मियों की मौत की बात भी कही और तमाम बातें ऐसी कही। केंद्र सरकार 2013 में बने मैला ढोने रोधी कानून का क्रियान्वयन करने में बुरी तरीके से विफल हुई है। तो कई ऐसी बातें थी जिनको लेकर आज राहुल गांधी ने गिनाया और ट्वीट किया। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि अब हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है और पाकिस्तान बन गया है तो वो मुक्त हैं, बोरिया बिस्तर उठाकर अपने नानी के घर जाएं और वहां से चुनाव लड़ें। और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और सुनिए आप क्या कुछ कहा इस मसले पर। होने वाली बात है, इसलिए इसमें सीबीआई इंक्वायरी ही कुछ स्पष्ट कर सकता है स्थिति को कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और का औसतन वो भी चुनाव जैसे माहौल में जो सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, जेड प्लस कैटेगरी में ऐसे भी रहते हैं वो, तो 100, 200, 300 सिक्योरिटी वालों से घिरे रहता है कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री। और ये नंदीग्राम में कैंपेन का माहौल तो बंगाल में पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, ये कल ही क्यों हुआ? नामांकन के पहले भी कुछ ऐसा हो सकता था, नामांकन के बाद ही हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में इस तरह का? अब तो ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है इसमें। और सेंटिमेंट्स का खेल भी होता है राजनीति में, बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हम लोगों ने अपने भी, लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कई प्रदर्शन हम लोग करते थे, तो और भी राजनीतिक दल के लोग आते थे, जब लाठी चार्ज होता था तो वो भी कहीं से पट्टी लगा के आ जाते थे कि हमें भी बहुत मारा पुलिस ने। फिर होता था कि पट्टी भी खोलिए, खोल के दिखाइए चोट कहाँ लगी। तो ये सब दौर हम लोग देख चुके हैं, कम से कम बिहार में तो देख चुके हैं। इसलिए सीबीआई जांच करे, मांग बिल्कुल जायज है। ट्रूथ कैन बी एक्सपोज, इट रिक्वेस्ट high power inquiry, but what are the agencies? I suggest it very firmly, it is the election commission who has the, up till now is the authority of the Bengal administration, because election has already been started. So it is the election commission to finalize who will be the agency to investigate. So I would suggest the investigation should be done by the election commission himself. Himself may not be possible, then in that case I think they should depute some agency who will make the investigation. Why these things happen? Who has done this thing? In the meantime, I must have to say one thing very clearly. In Bengal, the violence erupted, not now. Bengal, last 1 month we have been observing the massive scale of violence in West Bengal. देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ममता दीदी का जो पैर है, जिनमें चोट लगी हो, जल्दी जल्दी वो ठीक हो, स्वस्थ रहे, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। नंबर दो, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, केस उन्हीं की पुलिस ने रजिस्टर किया है, उन्हीं की पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब मेरा विश्वास है कि सच्चाई का मालूम चलेगा। अगर ममता दीदी को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है
तो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है। सर लेकिन डेरेक ओब्रायन जो कि राज्यसभा में सांसद, उन्होंने आरोप लगा कि पहले इलेक्शन कमीशन डीजीपी को वहां पर चेंज करता है, उसके बाद बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप देखिएगा कि 5 बजे के बाद क्या होने वाला है और 6 बजे ममता बनर्जी पर अटैक हो जाता है, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए डेरेक के उन्होंने जो आरोप लगाया उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि वो अपने इस प्रकार के स्टेटमेंट से ही वो लोकप्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग का काम है कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो, शांति के साथ चुनाव हो, और उसके लिए अगर डीजीपी का उन्होंने बदलाव करने की बात की है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ सॉलिड, कुछ ठोस उसके कारण रहे होंगे। लेकिन सर जो आज जरूर होनी चाहिए, सत्य बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण क्यों? और यदि तृणमूल कांग्रेस चाहती है तो केंद्रीय कोई जांच एजेंसी की मदद तो मांग भी सकते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा भी है, अब तो सबको देखना चाहिए कि चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से करने के लिए जो चुनाव आयोग अधिक मात्रा में सुरक्षा बल भेजेंगे तो उससे भी तो तृणमूल कांग्रेस को खुश होना चाहिए, ताकि ये शंका किसी के मन में नहीं आए। लग के दरवाजा बंद हुआ तो उनको चोट लग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो इसके लिए वो तुरंत द्रुत आरोग्य की कामना करते हुए और इन तमाम जो जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे थे उन पर एक्शन हो, और किसी अपराधी ने अगर इस घटना किया तो उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया जाए, और कहीं से भी यदि फोटो नहीं मिला तो सैटेलाइट से इस फोटो को निकाला जाए। क्या आपको लगता है नंदीग्राम से भागना चाहता है? मुझे नहीं लगता है, ये पूरा बंगाल की जनता को लगता है, पूरे भारत की जनता को लगता है कि नंदीग्राम का हवा देखकर वो भाग रही हैं। अभी तक तो एक भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के हिंदू समाज आशीर्वाद दे रहा है कि कम से कम एक महिला जो ब्राह्मण घर की महिला थी, जो मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के चक्कर, वोट के चक्कर में, मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में माथा पर अकाली नेतृत्व को उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा विधानसभा परिसर में जो मुख्यमंत्री जी के, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है उसका संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि हर आदमी को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन उसके कुछ सीमाओं में रहकर ही उसको किया जा सकता है। स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं के रखने के लिए उसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उनको निष्कासित किया जाता है किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। बहुत गंभीर मामला है, अकाली पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, उन्होंने देश की प्रजातंत्र के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनको इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो चोट लगी है उसके बाद भाजपा पे आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं चोट के ऊपर भी। अब ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती है, वो चाहती है कि थोड़े बहुत आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर ले। लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका हुआ, उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार।
ममता बनर्जी पर हमले को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जनता पार्टी हिंसा पर और हमले पर विश्वास करती है और न इस प्रकार के किसी भी कार्य का समर्थन करती है। जो प्रथम दृष्टया हम सबको ध्यान में आ रहा है, यह केवल एक चुनावी स्टंट है और अगर उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई हमला हुआ है तो जिस एजेंसी से वो मांग करें उस एजेंसी से जांच करवाने के लिए सरकार तैयार है। और मुझे लगता है कि उनको अगर कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जेड प्लस की सुरक्षा उनके पास है और उनके साथ कोई घटना हो जा रही है, कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जा रहा है। वह स्वयं कार्यवाहक मुख्यमंत्री के नाते एक तरह से प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, तो यह तो चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को भरमाने की एक असफल कोशिश है। और जो उनके सलाहकार हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर पूरी तरीके से सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडल के जितने भी आयुक्त हैं उनको और जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लेकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे और इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की जाएगी, जिसमें जिले के अधिकारियों को ये बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली करवाया गया। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने आते ही गोरखनाथ मंदिर में शिवरात्रि पर पूजा अर्चना की। हालांकि उनके आगमन को लेकर देर रात तक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ था। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर उनके आगमन को देखते हुए इस बार भी संभावना सिर्फ जताई जा रही थी और इसी संभावना के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क था। देर रात तक आधिकारिक कार्यक्रम का इंतजार होता रहा और हुआ भी वही। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर पहुंच गए। गोरखनाथ मंदिर में शिवरात्रि गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना के साथ उन्होंने रुद्राभिषेक किया और उसके बाद पीपीगंज के पास भरोइया शिव मंदिर भी जलाभिषेक के लिए पहुंचे। बिहार के हाजीपुर का ऐतिहासिक बाबा पतालेश्वर नाथ मंदिर महाशिवरात्रि के पावन मौके पर यहां पर शिव की ऐतिहासिक बारात मंदिर परिसर से निकाली गई और शिव बारात तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर तय किया। इस बारात के रूप में देखा सभी लोगों ने, आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। भोलेनाथ को गाड़ी पर सवार करके खुद गाड़ीवान की भूमिका निभाने वाले नित्यानंद राय इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बाबा के गाड़ीवान बने और इस मौके पर अबीर गुलाल से नहाए नित्यानंद भारतीय संस्कृति की पारंपरिक वेशभूषा धोती और कुर्ता में दिखाई दिए। वहीं महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर बाबा की नगरी शिवमय हो गई। पास के लाखों लोग आज भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं और सैकड़ों वर्षों से यहाँ की परंपरा है कि बाबा पातालेश्वर स्थान जिस शिवलिंग की खुदाई की गई थी, जिसका पता ही नहीं चला कि कितने नीचे तक है, इसलिए इस महादेव के शिवलिंग का नाम बाबा पातालेश्वर बना रखा गया। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महादेव पातालेश्वर मंदिर से निकलकर नगर की ओर अपनी बाराती को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड का प्रोटोकॉल है, कई प्रतिबंध है, इसलिए इस बार सांकेतिक हो रहा है। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर देवों के देव महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, अपने सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दें, उनके जीवन में सुख शांति खुशियाँ दें, उनको स्वस्थ रखें। और भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर अपना आशीर्वाद बना रहे। एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम
शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारियों को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायतों में सरपंच सचिव की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पूरा जो मामला है वो रीवा से है, जहां पर सरपंच की मनमानी और भ्रष्टाचार का ऐसा कारनामा निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिगवार में 391 में सरपंच ने बिना किसी काम किए लाखों रुपए की राशि हड़प ली और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और सड़क बनाने समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए की राशि प्रदान की गई थी। समस्या क्या आ रही है आपके ग्राम पंचायत में? जो सरपंच द्वारा कार्य कराए गए हैं वो जमीनी हकीकत पर बिल्कुल नहीं कराए। कौन कौन से कार्य? जैसे खेल का है, खेल मैदान बनाया गया, और एक रोड का है, जो पहले रोड बनी हुई थी वो 393 पंचायत के लिए जाती है, उसका पैसा अभी निकाला गया है। वो तो ग्रेवल सड़क है, ग्रेवल सड़क के नाम पे पैसा निकाला गया है उसका। उनके द्वारा बनवाया नहीं गया? उनके द्वारा एक भी तगाड़ी उसमें ना बालू डाला गया है ना मिट्टी डाला गया है। एक शांति धाम भी आपके ग्राम पंचायत में बनाया गया है? शांति धाम 4 बनाई गई है यहाँ, तो सिर्फ एक कम्प्लीट है, बाकी सभी अधूरी है। और एक कामता सिंह के घर से तमरी रोड तक का सड़क का निर्माण कार्य होना था। हाँ, पीसी सड़क वो ई ग्राम स्वराज में दिखाया जा रहा है कि 10,83,000 कुछ रुपए उसका सेंशन हुआ है। अब ये हो गया है कि नहीं हुआ है ये मुझे अभी वहाँ से डाटा मिला नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि हो गया है। ग्राम पंचायत डिघवार में वृक्षारोपण का भी कार्य करवाया गया है, ये मुझे जानकारी में बिल्कुल नहीं है। किसी भी सदस्य से ग्राम पंचायत के अंतर्गत पूछेंगे तो 5 भी पेड़ ऐसे नहीं बता सकते जो पंचायत द्वारा लगाए गए हैं और तैयार हो गए हैं 5 साल के अंतर्गत। पंचायत में यही समस्या आ रही है कि हम सूचना का अधिकार लगाए थे, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया, इसके बाद जानकारी नहीं दी गई सूचना के अधिकार की। और कुछ शिकायतें पत्र भी है ग्राम पंचायत के विकास के संबंध में कि नहीं करवाया गया, नहीं करवाया गया, और सूचना के अधिकार के तहत हमका आज के डेट पर यह हमका। तो जैसे आपके यहाँ कुछ पीसीसी सड़क हुई बनाई गई, खेल मैदान बनाया गया, शांति धाम बनाया गया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कागज में बना है, बाकी यहाँ गांव में तो कहीं नहीं बना। आपके द्वारा कहीं शिकायत की गई है? हमारे द्वारा कई जगह शिकायत, किसी प्रकार से जाँच से अधिकारी आए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, न कोई आया न कोई गया। कोई आश्वासन? आश्वासन आने वाले हैं, अभी आए से शांति धाम नहीं बना हुआ है, चौतरा बस बनवा दिए हैं आधा पीहा और हो गया, अब पैसा पूरा निकाल लिया गया है। आपके द्वारा शिकायत कहीं की गई है? हाँ, हम लोग उसको सरपंच सेक्रेटरी को यहाँ पर सभी को बताए कि नहीं कोई इसको पूरा करवाइए, तो बोले कि हो गया है वहाँ काम पूरा, ऐसा बोल दिया कि हो गया। हाँ, वहाँ का हो गया काम, बन गया शांति धाम। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस द्वारा महिलाओं के अपमान के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और आपको बता दें कि महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं किया गया था और ट्रैक्टर को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ही खींचते हुए नजर आए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने महिला दिवस वाले दिन महिलाओं के द्वारा स्वयं ट्रैक्टर में बैठ करके महिलाओं के द्वारा जो है ट्रैक्टर खिंचवाया है, और इस तरह का जो शारीरिक शोषण है वो भी एमएलए महिलाओं के साथ, वहाँ उन्हें तो शर्म आई नहीं, लेकिन महिला दिवस के दिन क्या केवल बहनें आज एरोप्लेन उड़ा रही है, आजकल पनडुब्बियां चला रही है, ट्रेन चला रही है, क्या महिलाएं वहाँ पे उनके द्वारा बनाए गए ट्रैक्टर वाले रथ को खींचने लायक हैं? आपने महिला दिवस के दिन महिलाओं का बहुत ही गंदा एग्जाम्पल दे करके हम सब। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 2 दिवसीय मुरादाबाद दौरा है और वहां पर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया था। पंचायत चुनाव के साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने कई टिप्स भी चुनाव को लेकर दिए।
और आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा शहर के पास में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में हुए धमाके की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल लोगों को काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री में काम सुचारू रूप से चल रहा था और उसी दौरान शाम को तकरीबन 3:15 बजे यह धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि बॉयलर में हुए धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि काकीनाडा के आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल पहुंचकर आग को बुझाया। कृषि मंत्री के मुताबिक ये दौरा जो था पूरी तरीके से घटनाक्रम था और जायजा ले लिया गया। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे का राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए संपर्क अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद देश में 4,00,000 गांव तक पहुंचेगा, जबकि मध्य प्रदेश में 45,000 गांव तक पहुंचेगा। मंदिर निर्माण के लिए देश में 2500 करोड़ से ऊपर जबकि मध्य प्रदेश में 200 करोड़ से ऊपर की राशि मिली है। अभी भी जो लोग राम मंदिर निर्माण के लिए राशि देना चाहते हैं वो राम मंदिर तीर्थ को वेबसाइट पर जाकर उसके जरिए सीधे खाते में जमा करा सकते हैं। संपूर्ण देश भर में समाज के हर वर्ग से और संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से, यानी समुद्र के किनारे हो, पहाड़ हो, जंगल हो, ग्रामीण अथवा नगरीय अंचल हो, सभी क्षेत्रों में सभी जाति पात भाषा पंथ संप्रदाय, ऐसा एक बहुत व्यापक यह समर्पण सभी के माध्यम से हुआ है। मध्य प्रदेश में भी अपने यहाँ लगभग 45,000 गांव तक हम सब लोग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि 1,10,00,000 परिवारों तक संपूर्ण प्रदेश में हम लोग पहुंचे होंगे। पूर्ण देश भर में जो अनुभव आए उससे यह लग रहा है कि जो बात हम लोगों ने सोची थी कि यह केवल श्री राम जन्मभूमि के ऊपर के मंदिर का निर्माण नहीं है, तो एक राष्ट्र मंदिर के नींव को मजबूती प्रदान करने वाला, पूर्ण देश की एकात्मता बढ़ाने वाला ऐसा यह अभियान है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा विषय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दृष्टि से यह पूर्ण हो गया है। कई लोग इसमें से छूट गए हैं, कई लोगों के अभी भी संपर्क हो रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यह घोषित किया है कि जो भी लोग इस संपर्क अभियान में छूट गए होंगे और जिनकी अभी भी इसमें समर्पण देने की इच्छा है, तो सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वेबसाइट के ऊपर। राकेश टिकैत 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां पर नंदीग्राम में कोलकाता में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 13 तारीख को हम पश्चिम बंगाल में मीटिंग करेंगे, नंदीग्राम और कोलकाता में पंचायत करेंगे, वहां के किसानों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या उन्हें MSP मिल रहा है, उनका लाभ कभी मिला है, वहां पर सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। साथ ही टिकैत ने कहा कि 13 मार्च को कोलकाता भी जाएंगे। 14 का है तो 13 तारीख वहां पर रहेंगे, 2 मीटिंग करेंगे, नंदीगांव और कलकत्ता में है, 2 पंचायत वहां पर रहेगी और हम किसानों से बात करेंगे वहां के कि क्या उनको MSP मिल रहा है, क्या उसका लाभ कभी इनको मिला है, इन सारी चीजों पर वहां पर चर्चा होगी। और कहां कहां जाने का? अभी तो पूरा कर्नाटक में है और उड़ीसा में है प्रोग्राम, अभी बुंदेलखंड में रहेगा, उत्तराखंड में है, हरियाणा की मीटिंग है, राजस्थान में है, तो ये सारी जगह अभी 4-5 स्टेट में हम अभी कवर कर रहे हैं। और कुछ तो ये है कि आंदोलन चल रहा है, MSP का बड़ा सवाल है, MSP मिल जाएगा तो बिहार के किसान को लाभ मिलेगा, बंगाल के किसान को लाभ मिलेगा, आसाम। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रावतपुरा धाम पहुंचे और इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद संध्या राय भी मौजूद रहे
और आपको बता दें कि रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के अनुसार कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने 85 फीट शिव मूर्ति का लोकार्पण किया और राज्यसभा सांसद सिंधिया ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि रावतपुरा सरकार धाम अद्भुत है, सब धाम बार बार, रावतपुरा सरकार एक बार। और संस्कृति का त्रिवेणी का संगम और वही धर्म अध्यात्म और संस्कृति त्रिवेणी का संगम रावतपुरा धाम में हमें प्राप्त होगा। मैं तो कई बार मेरा सौभाग्य हुआ है पिछले 20 वर्षों में यहां आकर उस अध्यात्म की प्रवृत्ति को महसूस करने, लेकिन आज जब पूरे परिसर का दौरा महाराज जी ने हम सब का करवाया, ये एहसास होता है कि पूरे लखनऊ में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल के एसडीपीसी ने बताया कि आरोपियों के पास से तकरीबन 5,028 फर्जी आईडी कार्ड पर सिम और 34 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग ऑनलाइन ठगी करने के लिए किया जाता था। और वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों ने हाल ही में एक व्यक्ति से 13,000 रुपए की ठगी की थी। आमजन से ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सतर्कता बरतने को कहा। बड़ी घटना का अनावरण किया है। इसमें एक मुकदमा थाना चिन्हट 141 दर्ज था 2021 का, जिसमें कुछ लोग के खाते से पैसे निकाले गए थे। उसमें दो लोगों को गिरफ्तारी की गई है, गोपाल मौर्या और भरत शर्मा। इनके पास से 5,028 फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रिकवर हुए हैं, इसके अलावा 34 मोबाइल रिकवर हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि ये सिम ग्राहक, जब इनके पास लाइसेंस था BSNL का और वोडाफोन का प्रॉपर सिम देने का, लेकिन ये एक ही ग्राहक के मल्टीपल सिम दे देते, मल्टीपल फ़ोटो क्लिक कराते, मल्टीपल बायोमेट्रिक ले लेते और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्हीं की आईडी पे मल्टीपल सिम जारी हो चुके हैं। उनको एक सिम दे देते और मल्टीपल सिम ये अपने पास रख लेते। अब इनको फिर क्राइम में या जहाँ भी जिसको ज़रूरत होती थी ऊँचे दाम पर बेच देते थे। तो ये उल्लेखनीय है कि यही काफ़ी साइबर क्राइम की जड़ है और हमने वहीं रूट कॉज पे अटैक किया है और इनको पकड़ा है। इसी के साथ हम लोगों को सचेत करना चाहेंगे, जब भी अपना सिम कार्ड लें तो आप एक ही बार बायोमेट्रिक करें और मेक श्योर करें कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली से सटे गाजीपुर, शाहजहांपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन फीका पड़ने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता के अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन की सफलता को लेकर कितने ही दावे कर ले, लेकिन सच ये है कि दिल्ली की सीमा पर जुटे किसानों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पहले की तुलना में प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बेहद कम है। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस बात से हैरान है कि यूपी गेट पर किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से भी नीचे आ गई है, टेंट भी उखड़ने लगे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि 28 नवंबर को जब यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो यहां पर युवा हजारों की संख्या में धरना स्थल पर मौजूद थे। आलम यह था कि युवा मंच पर भी संभल रहे हुए, लेकिन अब पूरी तरीके से हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार कोशिशें कर रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि गौरव टिकैत भी अक्सर यहां पर पहुंचकर युवा प्रदर्शनकारियों में जोश भरते रहते हैं, लेकिन अब आंदोलन फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और संभल के दीपा सराय में गुरुवार की शाम को सांसद डॉक्टर शकीकुर रहमान बर्क के आवास पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर दिया है, संविधान से खिलवाड़ किया है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल का चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। बीजेपी ने सभी प्रयास कर लिए हैं, लेकिन वहां उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। देश की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और
वही फिर से बंगाल की सीएम बनेंगी। बीजेपी को बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी पर हुआ हमला देश की अस्मिता पर हुआ हमला है, ऐसे कृत्य सही नहीं है, इस हमले की जांच होनी चाहिए और जो भी हो इसके पीछे उसको सजा मिले। एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी जिस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन ममता की जनता जानती है सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। अगला चुनाव ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी सारे में या यूपी के अयोध्या में पान मसाला व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले में हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। और आपको ये भी बता दें, कार्रवाई करते हुए शव बरामद होने के 24 घंटे के भीतर हत्या के षड्यंत्र में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद दिला दें कि पत्नी से अवैध संबंधों के शक के चलते एक दोस्त ने दोस्त की गला काटकर हत्या कर दी थी। हालांकि अयोध्या धाम की अगर बात की जाए तो यहां पर अपहृत पान मसाला व्यवसायी कि कत्ल की वारदात में शामिल 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से मोटरसाइकिल साथ में मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि लगातार जांच चल रही है। काम करते थे, ये सामान खरीदने के लिए शहर गए हुए थे। कुछ समय के बाद जब ये वापस नहीं आए तो परिजनों ने इनकी तलाश किया और न मिलने पर इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर कोतवाली अयोध्या में 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ और पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया। सर्विलांस टीम और एसओजी उनकी उनको भी लगाया गया और इनका 10 मार्च को इनका शुभम का शव जो है थाना महाराजगंज क्षेत्र में एमी आलापुर गांव के पास में बरामद हुआ और पीएम की कार्यवाही करने के बाद फिर उनसे इन पुलिस टीमों ने जो इनमें संलिप्त अभियुक्त थे उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया और परिणामस्वरूप उसमें 6 जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार किए गए हैं और स्विफ्ट डिजायर कार। कानपुर के घाटापुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में हमने 5 टीमें गठित की और तुरंत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक अन्य अभियुक्त को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा लगातार पुलिस कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की संदिग्ध हालत में ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया था। उसका एक अभियुक्त जो है वो उसी दिन हमारी टीमों ने गिरफ्तार कर लिया था। लगातार हमारी टीमें प्रयासरत थी, 5 टीमें उसमें गठित की गई थी और स्वॉट और सर्वेलेंस टीम भी, और दूसरा अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिया, दीपू यादव उसका नाम है। और अब लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है कि तीसरा अभियुक्त जो है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी करके और सख्त। और यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हरियाणा मार्का की अवैध शराब की 200 पेटियों को बरामद किया गया है, जिनकी कीमत मार्केट में तकरीबन 21 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर अभी फिलहाल कुछ फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई अवैध शराब आगामी चुनावों में परोसी जाने वाली थी, और वहीं आबकारी विभाग को भी तस्करों ने खुली चुनौती दी। पुलिस के द्वारा जो ये अवैध शराब का जो मामला है, क्या मामला है सर पूरा? जैसा कि आपको पता है कि जनपद हापुड़ पुलिस निरंतर अभियान चला रही है अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए। इसी संबंध में, इसी क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम सी प्रभारी नसीम खान के नेतृत्व में एक गाड़ी पकड़ी गई है। इस गाड़ी में लगभग 290 पेटी हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब है, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। इसके साथ ही एक सेंट्रो गाड़ी बरामद की गई है। ये गाड़ी पंजाब से चली थी, इसमें साइकिल के पार्ट्स ऊपर हैं और साइकिल के पार्ट्स के नीचे छिपा के ये पेटियां कोलकाता ले जाई जा रही थी। यूपी के गोंडा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर डंडवा कानूनगो गांव के प्रसाद वितरण में कार्यक्रम रखा गया, और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रसाद खाने से 7 लोग बीमार हो गए। सभी बीमारों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की सूचना के बाद डीएम मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल पूछा, साथ में वहां पर कुछ लोग भी थे। फिलहाल जो आयोजक थे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं, और वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों और उनके परिजनों से बात करके घटना की जानकारी ली। यार 5 बच्चे आए हैं, जो 3 छोटे बच्चे थे वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और उन्होंने बताया कि जो शरबत भांग मिला हुआ पिलाया गया था ये थे, तो बच्चे तो ठीक थे, जो 2 बड़े थे हमें लगता है ज़्यादा पिए थे, थोड़ा सुस्त थे बस। कहाँ से आए हैं? अभी तो देहात कोतवाली से लाया गया था। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, और वहीं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 2 निर्दलीय विधायकों द्वारा वोट समर्थन करने पर किसानों में जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के प्रति आक्रोश है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता तो सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए दबाव बनता, लेकिन इससे ये साबित होता है कि जेजेपी भी किसान हितैषी नहीं है। जनता पार्टी जो है किसानों की पार्टी कहलाती है, और हमारा ऐसा मानना है जो श्रीनिवास पद के मतलब जो खिलाफ उसने वोट दिया है वो काफी गलत किया है। उनको मतलब जो प्राथमिकता को पहले ही मतलब जो है किसान आंदोलन के समर्थन में अपना रिजाइन कर देना चाहिए था। बाकी अब जो विश्वास मत के खिलाफ इन्होंने वो दिया है मतलब जो हमारे विचार से काफ़ी गलत है। और जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से भी ज़्यादातर ने सरकार के पक्ष में वोट दिया है, वो उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। बाकी ये जो विश्वास अविश्वास मत मतलब जो कांग्रेस सरकार ने पेश किया ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहली बार पुलिस और प्रशासन ने एंटी गुंडा पुलिस के तहत, आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की है, और ये एक मुहिम चलाई हुई थी जिसके तहत शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि अपराधी बलवीर रावत के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को प्रशासन ने जमींदोज किया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के झांसी में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर विशाल शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। और वहीं हर साल की तरह इस साल भी शिव यात्रा में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, और आपको बता दें कि शिव बारात का जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। शिव बारात के बारे में जानकारी देते हुए विधायक ने कहा कि झांसी और काशी में कोई अंतर नहीं है, काशी प्राचीनतम शिवजी की नगरी है और झांसी में राजा गुसाइयों ने इसे शिवजी की नगरी के रूप में मान्यता दी है, और उसके साथ ही उन्होंने झांसी की जनता को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी।
मंदिर से शुरू होकर के बढ़िया महादेव तक जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि झांसी और काशी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। काशी प्राचीनतम शिव जी की नगरी है, तो झांसी में भी यहाँ के राजा गुसाइयों ने शिव जी की नगरी के रूप में से मान्यता दी थी, स्थापित किया था। ये शिव की नगरी में आज शिवमय झांसी पूरा दिख रहा है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से पूरे झांसी जनपद वासियों को शिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। क्या साल से लगभग इस बरात उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आज जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। जो पूरा मामला है वो थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव उरावर का है, जहां पर रहने वाले कुछ लोगों में विवाद हुआ और घायल को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि जमीन को लेकर परिवार के ही चाचा ने 20 साल पहले उसका विवाद शुरू हुआ था और उसका आरोप है कि आज वो अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गया, तभी उसके चाचा ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गए थे जमीन के विवाद के लिए, हमारे चाचा जमीन है तो हमने मांगा, उन्होंने तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया गाली को देना। बाबा ने हमारे राइफल निकाल ली मारने के लिए, हमने विरोध किया तो उन्होंने फायर कर दिया और पता नहीं कहाँ से गोली लगी उनके पीठ में। आपके भाई को किसने गोली मारी है? ये नहीं देख पाया हमने किसने मारी। ये तो बाइक पे थे भैया। कौन है रिश्ते में आपको गोली चला? ये हमारे भाई है। ये दोनों भाई बड़ा है, ये नहीं पता किधर से गोली लगी हमें। अभी उनके परिजन मोटरसाइकिल पर बिठा के लाए थे, बहन और भाई साथ में थे उनके, तो हम लोगों ने एग्जामिन किया तो देखा उनके राइट साइड में बगल में एक्सिलरी रीजन से एक घाव था और एक पीछे की तरफ था, तो समझते हैं हो सकता है वो ही बता रहे थे कि फायर हुआ था। हम लोगों ने इलाज किया, इलाज के बाद में आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए। देहरादून के शकरपुर में बच्चे का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने मासूम बच्चे की मौत कर दी। आपको बता दें कि बच्चे का शव घर पहुंचा दिया, उसकी मौत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और बाकी सभी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। ऐसे में आज परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत है जिसकी विवेचना की जा रही है। दो अभियुक्त ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं जी। रही जहां तक परिजनों की बात है तो उसे वार्ता की जाएगी और जो भी मुमकिन होगा पुलिस से लेकिन परिजनों का आरोप है कि जो पड़ोसी है जिसके द्वारा उन्होंने पहले भी शक जताया था, उसको अभी तक भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। देखिए, ये चीज़ें अब संज्ञान में आई है, पहले इस तरह की कोई बातें पहले से नहीं थी, ये अब संज्ञान में आई है। और ऐसा कोई मामला है तो वो जो कुछ भी तथ्य देंगे उसकी छानबीन की जाएगी और गंभीरता से विवेचना की जाएगी। क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पुलिस किस एंगल से इसको देख रही है? रैंसम है, किडनैपिंग थी और दुर्भाग्यवश दबाव पड़ा। बरनाला जिले के धौला गांव में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गांव के चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। और वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़की के अनुसार उसे बीती रात को गांव के ही चार लड़कों द्वारा बरगलाकर किसी सुनसान जगह पर ले गए थे, वहां पर नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। और वहीं दूसरी ओर पीड़ित लड़की के साथ और पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर गांव के ही चार व्यक्तियों पर गैंगरेप एक्ट और एससी एक्ट के अधीन मामला दर्ज करके दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उन्होंने वो मतलब उस गलत किया, सो इसकी असी रिपोर्ट पुलिस थाना दे विच दित्ती है, सो जो भी कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। कौन सी मुंडे कितने? ये मेरे पिंड दे ही सी, मतलब मुंडे अपने घर च सी, एक मुंडा कुछ थोड़ी दूरी तो सी। थोनू की पता लग गया? सानू पता लग गया जी, मतलब जो बाथरूम दे मंजे ते जो है नहीं सी किते। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੁਬਹਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 13.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
बाकी जी रही घर भी है सिख सचाउंड बयान कराते मेडिकल करावे। गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक महिला का शव झाड़ियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो महिला के शरीर पर कई जगह पर चाकू से जख्म और जहरीला पदार्थ खाने से मौत की पुष्टि हुई थी। उस समय महिला की पहचान न होने के कारण पुलिस ने अज्ञात मामला दर्ज कर लिया था और अब खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस का कहना है कि महिला का पति सऊदी में रहता था, उसके गैर मौजूदगी में महिला का अन्य पुरुष से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके चलते हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल औरैया के नारायणपुर मोहल्ले में दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से मारपीट की है और गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और सड़क पर जाम की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यहां पर दो परिवारों के बीच विवाद में मारपीट हुई थी जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं, उनकी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। और हरियाणा में बदमाशों का आतंक कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर आए दिन लूट, चोरी, हत्या जैसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। एक ऐसा मामला है पलवल के उपमंडल का, जहां पर नेशनल हाईवे 19 पर बावड़ी मोड़ के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया है। और आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2,28,000 रुपये लूटे हैं और मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर ने लूट की शिकायत पुलिस को दी, जहां पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। ये परसों की बात है, बीचंदा पेट्रोल पंप है सराय के पास में, मुटगट्टी थाने में आता है, तो वहाँ से एक बैग में पैसे लेकर के पेट्रोल पंप का मालिक मैनेजर पैसे लेके होटल जमा कराने के लिए चला था। तो रास्ते में जो अपनी नहर है बंचारी के पास उससे थोड़ा आगे चल के और दो लड़के थे पीछे से बाइक पाए और उसकी मोटरसाइकिल को लात मारी और रोक करके उससे 1,94,000 कुछ रुपए थे और 32,800 का चेक जो बैग में डले हुए थे उस बैग को छीन के भाग गए। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? सीसी कैमरे की फुटेज ली जा रही है और अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनके पास रेड की जा रही है और पकड़ने के भरसक प्रयास किए। दहेज के लोभियों का महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला रामपुर में नगर पंचायत मसवासी के भूबरा मोहल्ले का है, जहां पर 4 दिन पहले शादी हुई थी। ससुराल वालों ने महिला से दहेज मांगना शुरू कर दिया और प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। झगड़े से तंग आकर विवाहिता अपने मायके चली गई, पूरी आपबीती बताई, फिर उसके बाद विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें अगली खबर की हरियाणा के स्कूल और कॉलेज में कोरोना तेजी से लगातार चल रहा है और प्रदेश में 359 नए मामले निकलकर सामने अब तक आ चुके हैं। इनमें कुंजपुरा की अगर बात करें तो यहां पर सैनिक स्कूल के 83 विद्यार्थी और एक अध्यापक शामिल है। वहीं इससे पहले भी इसी स्कूल के 57 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने से लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। खासकर अगर इस महीने की बात की जाए तो विद्यार्थियों के संक्रमित होने के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी स्कूलों में ज्यादा केस सामने आने के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था और पिछले सप्ताह भी सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 57 विद्यार्थी संक्रमित हो गए थे और वहीं इसी कारण दोबारा सैंपल लेने के बाद 83 नए पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं, उसमें कुछ शिक्षक भी शामिल हैं। हरियाणा में 11 मार्च की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और हरियाणा में पेट्रोल के दाम 88.61 रुपये प्रति लीटर हैं और डीजल के दाम अगर आपको बताएं तो 81.58 रुपये प्रति लीटर पर रहा। और वहीं चंडीगढ़ में भी लगातार दाम बढ़े हुए इस समय नजर नहीं आ रहे हैं। चंडीगढ़ में डीजल 81.17 रुपये और पेट्रोल 87.73 रुपये
प्रति लीटर पर रहा। हरियाणा में आज सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि बुधवार को गुरुग्राम में 42,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था सोना, और आज की अगर बात करें तो यहां पर 320 रुपए के उछाल के साथ 43,120 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। और वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 44,990 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, और वहीं पर आज की अगर बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 45,320 रुपए प्रति 10 ग्राम रही है। फरीदाबाद जिले की अगर बात करें तो यहां पर भी आज सोने के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। यहां पर भी आज 22 कैरेट सोने का भाव 43,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो कि कल 42,800 रुपए देखा गया था। तो लगातार ये जो दाम है बढ़ते जा रहे हैं। मुरादाबाद के होटल रिजेंसी पर सपा कार्यकर्ताओं और सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के अंदर घुसने पर खासी नोकझोंक देखने को मिली है। धक्का मुक्की भी वहां पर हुई थी। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने पर होटल पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गन्ने के खेत में आग लगने से किसान की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। दरअसल जो पूरा मामला है बिजनौर के थाना सियोरा के मकसूदपुर का है, जहां पर किसान विकास चौधरी के 5 बीघा खेत में हाई टेंशन का तार टूट कर गिरने से खेत में आग लग गई है। हालांकि किसान और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे। वहीं पीड़ित किसान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यूपी के अमेठी की अगर बात करें तो यहां पर शिवरतगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लुटेरों की अगर बात की जाए तो यहां पर लूट की कार समेत एक अवैध तमंचा और कारतूस उनसे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, और वहीं गिरफ्तार लुटेरों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। देखिए, श्रीरतनगंज पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और 4 बदमाश लगभग 3-4 बदमाश भाग गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये आपको बता दें कि ये बदमाश लूट या डकैती किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के चक्कर में इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस को सूचना पहले मिल गई और पुलिस से यूपी के फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए मास्टरमाइंड सरगना समेत अंतर्राज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि गैंग का सरगना तिहाड़ जेल जा चुका है। फैक्ट्री में भारी संख्या में नोट छपने के उपकरण और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही बाजार में खपत के लिए बिल्कुल तैयार 1,92,000 रुपए के नकली और अधबने नोट बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों को पंचायत चुनावों के लिए करोड़ों रुपए छापने का ऑर्डर मिला था। पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एक अंतरराज्यीय नकली नोट बनाने का रैकेट हम लोगों ने बस्ट आउट किया है, जिसमें सरगना समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना तेजिंदर सिंह उर्फ काका मूलतः पंजाब का रहने वाला है, फिर बाद में दिल्ली आकर के बस गया था, और दिल्ली में इसके खिलाफ कुल 13 मामले पंजीकृत पाए गए हैं। यूपी के हमीरपुर में अवैध खनन कर रही जेसीबी ने 2 युवकों को कुचल दिया है। मामला हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के टीकापुर में संचालित का है। आपको बता दें कि यहां पर खनन माफिया भारी मशीनों से अवैध खनन कर रहे थे, जहां पर खनन करते हुए एक मशीन ने 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। संभल के बैजोई थाना क्षेत्र में सादात बाड़ी पातालेश्वर मंदिर में अचानक आग लग गई और शिवरात्रि का पर्व होने की वजह से यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आग की लपटें कुछ ही देर में पूरे मंदिर में फैल गई। इसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाया, श्रद्धालु पीछे हटे। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थीं, जिन्होंने समय रहते इस आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
बहजोई के अंतर्गत सादातवाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए कांवड़ में किसी श्रद्धालु द्वारा रखे गए धूप बत्ती की वजह से कांवड़ों में आग लग गई, जिसे जल्दी ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की मदद से काबू में कर लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पर दर्शन द्वारा ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि थोड़े बहुत आंसू बहाकर जनता की सहानुभूति बटोर लें, लेकिन ममता बनर्जी का बंगाल में काम तमाम हो चुका है। वो बीते रोज अकाली नेताओं की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को काले झंडे दिखाए जाने पर विज ने कहा कि अकाली नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती है। वो चाहती है कि थोड़े बहुते आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर ले। लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका है। उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है। हालांकि हर आदमी को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन उसके कुछ सीमाओं में रहकर ही उसको किया जा सकता है। स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं के रखने के लिए उसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उनको निष्कासित किया जाता है, किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत अब स्थिर है। नंदीग्राम में बुधवार शाम को कथित हमले के बाद ममता बनर्जी ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी और उन्हें कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने जो आज जानकारी दी है, नंदीग्राम में उस घटनास्थल का दौरा किया है जहां पर ममता बनर्जी पर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से हमला किया गया था। इसी बीच में पश्चिम बंगाल में बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को चोट जरूर लगी है, लेकिन चोट उन्हें अपनी गलती से लगी है। इतने पुलिस वाले सुरक्षा में थे, फिर किसने हमला कर दिया? हमला किया तो अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? मैं मांग करता हूं कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का दिया। मुझे आशंका है कि ममता बनर्जी कोई गिमिक करके, कोई ऐसा माहौल बना के कि उनके ऊपर हमला हुआ, ऐसा एक नाटक वो कर सकती है। ये 15 दिन पहले मेरा एक ट्वीट है, आप देख लीजिएगा मेरे ट्विटर अकाउंट में। स्पेसिफिक मैंने 4 अधिकारियों IPS का नाम लिया। कल वही घटना वहां देखने को मिली। ममता बनर्जी का एक TV चैनल में मैंने देखा कि ममता बनर्जी गेट खोलकर माथा ऊंचा करके खड़ी हैं और पीछे में द्विवेदी जो उनका एक सिक्योरिटी है वो गाड़ी का हैंगर पकड़ के झूल रहा है। वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो पाइप से लग गया, उनको धक्का क्यों देगा। तो इसमें 2 चीज खुल के आता है कि ममता बनर्जी सस्ता राजनीति करने के लिए अपना जनाधार जो खो चुकी है उसको लौटाने के लिए ये नाटक उन्होंने किया है। चोट उन्हें लगी है निश्चित रूप से, लेकिन ये चोट एक्सीडेंटल चोट है जो उनकी गलती से लगा है। एक Z+ सिक्योरिटी के जो अधिकार जो होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो कभी गेट खोल के पैर प्लेटफॉर्म पर रख के खड़ा नहीं होता है। और कैसे उस पुलिस वाले ने उनको अलाउ किया ये काम करने के लिए, ये होता नहीं है। आप कभी भी देखे होंगे कोई भी जब हाई प्रोफाइल
जेड प्लस सिक्योरिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके गेट कभी नहीं खुलता। जब 60 मिनट 60 खबरों फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।